रंगदारी और फ्री में एडमिशन को लेकर कोचिंग सेंटर में लाठी डंडों से तोड़फोड़ और बम से हमला। राजधानी पटना में बदमाशों ने कोचिंग सेंटर में जमकर उत्पात मचाया है। जहां रंगदारी और फ्री में एडमिशन को लेकर बदमाशों ने कोचिंग सेंटर में जमकर तोड़फोड़ की, वही बम फेंक कर फरार हो गए। वही इस घटना की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पूरा मामला पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मुसल्लापुर हाट स्थित मेहता कोचिंग सेंटर का है। बताया जाता है कि बदमाशों ने कोचिंग संचालक से रंगदारी के तौर पर 5 लाख रुपए और फ्री में एडमिशन की मांग की थी, जिसको लेकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। कई विद्यार्थियों को चोट लगी है। सबसे पहले बात, बच्चे आए जो अपराधी आए, सबसे पहले जाति पूछा गया। मेरे स्टाफ से पूछा कि जाति कौन हो, एक बोला कि दलित जाति का जो विनोद है, समझ गए ना। वो आया, सबसे पहले शीशा तोड़ा, स्टाफ को मारा, ऊपर से बोला 5 लाख रुपया रंगदारी दीजिए महीना, समझ गए मेरी बात। उसका कहना है कि हमको 5 लाख प्रति माह रंगदारी दीजिए और जो हम फोन करेंगे मेरा एडमिशन फ्री में होना चाहिए। ये जो विद्यार्थी है पटना यूनिवर्सिटी का, राजा यादव है और अभी पूर्व छात्र है, जैक्सन हॉस्टल में रहता है और पीजी हॉस्टल में रहता है। कई साथियों के साथ आए, मतलब 5 से 6 के साथियों में आए और सबसे पहले आए तो शीशा टूटे, उसके बाद बम फटका, स्टाफ को मारा, यही घटना और कोई घटना नहीं। पहले भी कोई थ्रेट वगैरह नहीं? कोई थ्रेट वगैरह नहीं, सिर्फ उसका कहना था कि दूसरे कोचिंग के द्वारा कराया गया घटना है। और दूसरी है कि बोला कि इस महीना के लास्ट में अगर नहीं दोगे 5 लाख रुपया तो जान मारने की धमकी दिया गया। तो ये आज ही आके धमकी दिया और तोड़फोड़ कर दिया? नहीं, 2 दिन पहले, मतलब 2 दिन से बोला कि फ्री में एडमिशन करो, नहीं किया। आज आके खुद बोला कि एडमिशन करो, आप 5 लाख रंगदारी दो। किस नेता छात्र है ये? यादव है, तो आप समझ ही सकते हैं। कुछ दल से जुड़ा हुआ है? हाँ, दल से जुड़ा हुआ है। कौन दल? पप्पू यादव दल से है, जाप से। जाप से। अब क्या करेंगे, चूंकि बमबाजी की घटना हुई, कानून कार्रवाई के साथ हम कल करेंगे। आज हम थाना के इंचार्ज के कर डीएम साहब को इंफॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद जो होगी। कितने देर बाद थाना पहुंची है? थाना तो सर 5 मिनट में आ गई। घायल भी हुए हैं लोग? घायल तो नहीं हुए हैं, जाति लेकर मारा गया और जाति लेकर गाली दिया गया, जो विनोद नाम के विद्यार्थी है उसको गया है गाली। क्या व्यापार करेंगे, बैठेंगे फिर? हाँ, व्यापार तो करेंगे। प्लानिंग के साथ दुकानदार सब है।